हेलो फ्रेंड, आज हम बताने वाले हैं रिक्लेमर के बारे में। एक एक पार्ट, उसी की फंक्शनिंग। पहले हम बॉटम व्यू से स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिज टाइप रिक्लेमर है। इसकी कैरेज आप देख सकते हैं। रिक्लेमर चेन सिस्टम, टेल स्प्रॉकेट, रोलर चेन, पिकअप यूनिट, वॉकेट गाइड रोलर, बकेट में आप देख रहे होंगे लाइनर प्लेट है। सो ये बकेट को बियर रेट से बचाता है। एक्सचेंजेबल स्प्रॉकेट, इसकी डिजाइन ऐसी होती है कि अगर स्प्रॉकेट वियर हो गया हो तो इजली इसको रिप्लेस किया जा सके। मोस्ट ऑफ द केसेस देखा गया है जब स्प्रॉकेट वियर हो जाता है तो उसके साथ साथ में चेन भी वियर होता है, तो चेन और स्प्रॉकेट को एक साथ रिप्लेस करना चाहिए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। हारो सिस्टम, ये टू एंड फ्रो डायरेक्शन में मूव करता है। इसके स्पाइक्स मटेरियल को सर्टेन डिग्री में, जो मटेरियल का एंगल ऑफ रिपोज है उसी डिग्री में हारो को सेट किया जाता है और उसी डिग्री में मटेरियल स्ट्रैक्ट होके बॉटम स्क्रैपर चेन तक पहुंचता है और फिर मटेरियल कन्वे होके डिस्चार्ज सूट तक जाता है। ये देख सकते हैं हारो है, हारो के स्पाइक्स हैं, यही बियर होता है। मेंटेनेंस में इसी स्पाइक्स को चेंज किया जाता है। हारो मूवेबल पार्ट, गाइड रोलर हारो सिस्टम का। गाइड व्हील स्क्रेपर चेन सिस्टम का। ड्राइव सिस्टम टोटल ब्रिज को मूव करने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं टू टाइप्स मोटर लगे हैं, एक स्लो स्पीड के लिए, एक हाई स्पीड के लिए। स्लो स्पीड ट्यूनिंग रनिंग यूज होता है और हाई स्पीड जब रिक्लेमर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना होता है तो उसका यूज किया जाता है। यहाँ गियर बॉक्स है, मैग्नेटिक क्लच सिस्टम, एक प्लेट लगा दिया जाता है बॉटम में आप देख सकते हैं। ये मटेरियल को ट्रॉली सिस्टम से थोड़ा दूर रखता है। रिक्लेमर डिस्चार्ज सूट, प्रॉक्सीमिटी स्विच लगा है रोटरी टाइप, ये बेल्ट के मूवमेंट को बताता रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्चार्ज सूट अरेंजमेंट, हैंगिंग टाइप, बोगी लिमिट स्विच, लीवर टाइप, इलेक्ट्रिक सॉकेट पॉइंट। अगर यहाँ पर वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन या ग्राइंडिंग मशीन का कनेक्शन किसी मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो यहाँ से आप इजली पॉइंट ले सकते हैं। स्क्रेपर कन्वेयर ड्राइव सिस्टम, केबल व्हील ड्रम, केबल का मूवमेंट रिक्लेमर के ब्रिज के साथ ही होता रहता है। ड्राइव यूनिट, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन केबल व्हील ड्रम का। रिक्लेमर केबिन, फुल्ली एसी सिस्टम होता है, अंदर में कंट्रोल डेस्क होता है, यहां से रिक्लेमर को कंट्रोल किया जाता है। डेस्क, यहां से रिक्लेमर का ऑपरेशन किया जाता है। लेकिन इस प्लांट में रिक्लेमर और स्टेकर का ऑपरेशन डायरेक्टली सेंट्रल कंट्रोल यूनिट सीसीआर से किया जाता है। सायरन सिस्टम, जैसे ही रिक्लेमर
अपना पोजीशन लेगा स्टार्ट होने के लिए, ए इमीडिएट बजेगा जिससे कि आसपास के जितने भी वर्कर हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। हारो ट्रॉली सिस्टम, हारो ड्राइव सिस्टम। हारो का पोजीशन इस रैक एंड पिनियन डिवाइस से सेट किया जाता है जितने डिग्री में हारो को रखना है, क्योंकि बरसात में एंगल ऑफ रिपोज का मटेरियल कुछ और होता है, गर्मियों में कुछ और होता है, ठंडे में कुछ और होता है, तो उसी हिसाब से हारो को पोजीशन को सेट किया जाता है। हारो ट्रॉली इस चेन माउंटेड सिस्टम से कनेक्ट होता है और ऑटोमेटिक मूव करता है एज पर रिक्वायरमेंट। लाइटिंग सिस्टम भी आप देख सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी स्विच और लीवर टाइप स्विच, दो टाइप के सेफ्टी डिवाइसेस लगे रहते हैं जिससे हारो ट्रॉली सिस्टम अपना पोजीशन इन ऑन फ्रो डायरेक्शन में कर सके। ये प्रॉक्सी लीवर ट्राइप चेन लुब्रिकेशन सिस्टम, उसका टैंक रखा है, इसमें ऑयल फिलअप रहता है, ऑटोमेटिक एज पर रिक्वायरमेंट ऑयल ड्रॉप चेन पे कंटिन्यूसली होता रहता है। ये इनसाइड डिस्चार्ज सूट है, आप देख सकते हैं यहाँ मटेरियल डिस्चार्ज होता है बेल्ट पे। बीरिंग हाउसिंग, उसका ग्रेसिंग सिस्टम इस पॉइंट से किया जाता है हेड स्प्रॉकेट का, इसके ऊपर में एक इंस्पेक्शन विंडो है जो कि आप डिस्चार्ज सूट के इनसाइड पोजीशन को तो आप देख सकते हैं। हारो ड्राइव सिस्टम का मेंटेनेंस चल रहा है इस शटडाउन में, गियरबॉक्स का इनपुट सील आउटपुट सील चेंज हो रहा है, फ्लूट कपलिंग मोटर, किसी किसी रिक्लेमर में ब्रिज टाइप रिक्लेमर में देखा गया है कि जो हारो सिस्टम है उसका मूवमेंट एक सिलेंडर ऑपरेटेड सिस्टम से किया जाता है जो कि आप देख सकते हैं। ये NHI मेक रिक्लेमर है, इसका डिजाइन हमको बहुत अच्छा लगा। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी खासी जानकारी आज हासिल हुई होगी ब्रिज टाइप रिक्लेमर के बारे में। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इमीडिएट कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट इमीडिएट पता चलता रहेगा। ये हमारे मोटिवेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।